जो फिन दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल साथ निभाना साथिया में आने वाला है धमाकेदार ट्विस्ट, जहां पर गहना, आनंद और कृष्णा ने मिलकर ऐसी पार्टी रखी है जिसमें सागर का पूरा पॉल पट्टी खुल जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यहां पर पहले तो सभी लोग घर में पूजा से शुरुआत करते हैं दिन की, और सभी लोग गहना को ढूंढ रहे होते हैं। तभी गहना, आनंद और कृष्णा के साथ में मिलकर यहाँ पर बैंड बाजा बारात लेकर आ जाती है और अपना अनाउंसमेंट कर देती है कि टिया की शादी इस तरह से नहीं होगी और टिया की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। और जहाँ पर भवानी और कृष्णा का इस तरह से पूजा हो, उसमें तो घर की बेटियाँ हमेशा खुश रहती है और बुराई से हमेशा बचाती है। और उसके बाद में यहाँ पर सभी लोगों के सामने अनाउंसमेंट किया जाता है और पंडित जी को बुलाया जाता है। तो दूसरी तरफ आनंद से और गहना से कहता है कृष्णा कि मैं बराती बन के रह जाऊँगा, यहाँ तो पंडित बुला लिया गया है। तो गहना कहती है इतनी आसानी से नहीं, वहाँ उधर पंडित जी मुहूर्त निकालेंगे और उनके गुण मिलाएंगे और इधर हम उनके अवगुणों से सारे अवगुण उसके टिया के सामने ले आएंगे। और इसके बाद में सभी ये तीनों मिलकर प्लानिंग करते हैं किस तरह से अब सारे इसकी सच्चाई सामने लेकर आनी है। और सागर की एक ही सबसे बड़ी कमजोरी है लड़कियां, और अब इसी में वो फंसने वाला है। तो दूसरी तरफ पंडित जी ने एक वीक के बाद का मुहूर्त निकाल दिया है और उसके बाद अनंत और गहना के होश उड़ जाते हैं। तो दूसरी तरफ कनक कहती है कि सागर मजे ले रहा होता है और कह रहा होता है कि अब किसी से फोन पे बात कर रहा होता है, कहता है कि अब जल्दी ही टिया की मैं लेकर निकलने वाला था, लेकिन कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम हुई, मैं यहाँ पर फंस गया। और वो ड्रिंक भी कर रहा होता है और प्लानिंग कर रहा होता है कि टिया को यहाँ से ले जाते ही कैसे किसको डील करना है। तो दोस्त कनक आकर उसे पीटती है और कहती है कि मुझे लग रहा है इनके इरादे नेक नहीं है, और गहना और अनंत इतना आसानी कैसे मान गए। वो सागर को अलर्ट करती है लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होता। और उसके बाद में जो पार्टी रखी गई है कृष्णा के द्वारा, वो उसमें फंसने वाला है। और वहाँ पर एक लड़की को भी बुलाया गया और चारों तरफ अनंत ने और गहना ने लगा दिए हैं कैमरे ताकि वो सारी रिकॉर्डिंग हो सके। तभी पार्टी में अब गहना लेकर आने वाली है टिया को, जहाँ पर वो देखेगी कि सागर उस लड़की के साथ में फ्लर्ट कर रहा है और उसके साथ में बहुत ही क्लोज होने की कोशिश कर रहा है और उसकी मैच्योरिटी साफ नजर आ रही है। और ये सब कुछ देखकर होश उड़ जाएंगे टिया के। अब देखना है कि इसी पार्टी में ये सच्चाई आ पाती है या नहीं, या फिर ये शादी तक मंडप तक ये बात पहुँचती है।